How are you? I am Vijesh Yadav from Techno India Group Public School Bhopal. Today I will teach you about Bhasha or Vyakaran. Ye Bhasha or Vyakaran aapki book Vyakaran book Vyakaran Garima se liye mein first chapter hai. Now let us begin. Firstly I would like to tell you about Bhasha. Bhasha kya hoti hai? Jab hum apne vicharon ka adan pradan bolkar likhkar और इशारों के द्वारा करते हैं वे हमारी भाषा कहलाती है। सपोज अभी मैं अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप तक पहुंचेगा, तो यह मेरे विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो यह हमारा मौखिक भाषा का रूप है। जब आप हमें मैसेज भेजते हैं, हम आपको मैसेज भेजते हैं, तो ये हमारे विचारों का आदान प्रदान लिख कर हुआ। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो इशारों के द्वारा आपको रोकते हैं, तो वो आपके विचारों का आदान प्रदान क्या हुआ, इशारों के द्वारा हुआ। तो भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम बात करेंगे भाषा के रूपों की। ये आपके भाषा के प्रकार हुए। अब भाषा के रूप, पहला हुआ मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो बच्चा अपने माता पिता से बचपन में सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जो भी अपने परिवार से, अपने भाई बहनों के साथ रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर जो भी वह भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा, जो एक प्रदेश में बोलने जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कहीं पे जैसे आपके पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, कहीं पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो हर प्रदेश की अपनी एक भाषा होती है और वहाँ के पे बोलने जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है तो वह हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो सभी जगह सभी पूरे संसार में बोली जाती है। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया हुआ, जितनी भी फॉरेन कंट्री होती है जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो इंग्लिश जो अंग्रेजी होती है वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ये पूरे संसार में बोली जाती है। लिपि, जो हमारे लिखने का तरीका होता है वह हमारा लिपि कहलाता है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अतः वह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों के द्वारा मौखिक रूप से विचारों का जब आदान प्रदान का साधन होती है वह हमारी बोली कहलाती है। व्याकरण, भाषा को कैसे शुद्ध रूप में लिखना है, कैसे बोलना है, ये सब हमें व्याकरण बताता है। तो व्याकरण भाषा के इन नियमों की चर्चा करता है कि और बताता है कि हमें शुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, शुद्ध रूप भाषा का शुद्ध रूप क्या है, कहाँ पे हमें कौन से सेंटेंस यूज़ करने चाहिए, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, यह सब हमें व्याकरण बताता है। दैट्स ऑल।